आपके बीच हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं आज के डीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम डीआई ट्रेनिंग सेशंस को। एक बार जोरदार तालियों के साथ आज की सेशन को हम शुरू करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इंडेक्शन आज की ट्रेनिंग सेशंस का नाम है। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आज की सेशन में। आप सभी लोगों का जो लोग आज के इस सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, मैं चाहूंगा सभी गैल्वियंस इन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आप जहां भी हैं उसी जगह पे थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आगे चलता हूं। दोस्तों मैं राजेश कुमार पासवान, गैल्वे में आने से पहले सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था मैं। गैल्वे में मेरे एक अपलाइन जिसने मुझे लेकर आया वो मेरे अनजान दोस्त, लेकिन ग्लेज में आने के बाद वो मेरे लिए भगवान तुल्य हो गए, क्योंकि आज उन्हीं के डायरेक्शन में काम करके मैं इस मुकाम को हासिल किया हूं। तो एक बार उन्हें अपने तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी सारे सपने हमने अचीव किया है आज उन्हीं अपलाइन की वजह से। तो दोस्तों आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी दोस्त रिश्तेदार के साथ गैल्वे में आए हैं। तो दोस्तों गैल्वे में आप कामयाबी की ऊंची उड़ान भरे इस बात को तभी ये दर्शाता है कि आप किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। तो जब तक आपके साथ आपकी अपलाइन है, यकीन मानिए आप ऊंची से ऊंची इमारत को भी हासिल कर सकते हैं, शिखर तक पहुंच सकते हैं आप। दोस्तों मैं पूरे गैल्वे परिवार, आपके स्पॉन्सर, आपकी लीडर अपलाइन, आपकी फ्रेंचाइजी, आपकी पूरी वीसी टीम, आपके जोनल हेड, आपके रीजनल हेड और कंपनी की समस्त मैनेजमेंट टीम की तरफ से गैल्वे परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बिजनेस में अपार संभावनाएं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपार संभावनाएं हैं। आप चाहे कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप मध्यम परिवार से हो या निम्न वर्गीय परिवार से हो, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो, आप गांव से बिलोंग करते हो या शहर से बिलोंग करते हैं, आप किसान हैं या आप दुकानदार हैं या आप बिजनेसमैन हो या आप जॉब करते हो या सब्जी बेचते हो, आपके पास बिजनेस करने का अनुभव है या ना है, गैल्वे परिवार में हर तरह का व्यक्ति कामयाब हुआ है। गैल्वे में सब बराबर है, गैल्वे में सबके लिए समान अवसर है, सब यहाँ एक परिवार की तरह ही है, क्योंकि हम सब गैल्वियंस हैं और हमारा एक ही नारा, एक ही मकसद है, वह है सिर्फ और सिर्फ कामयाबी। गैल्वे बिजनेस शुरू करने का फैसला, जो आपका फैसला है वो बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड से हो या कुछ काम करते हो या बिजनेस, सबके लिए है और सबको एक समान सफल होने का अवसर देता है। दोस्तों गैल्वे में सफलता के सिर्फ 6 मंत्र हैं, सिर्फ 6 फॉर्मूला है। पहला, कम से कम 3 साल की लगन के साथ लगातार कड़ी मेहनत 3 साल। दूसरा, सही तरीके से सीख कर काम करने की लगन। आपने अगर सही तरीके से काम को सीखा और उसके बाद आपने किया। अगला है कंपनी, फ्रेंचाइजी एवं लीडर अपलाइन द्वारा आयोजित सभी ट्रेनिंग और कार्यक्रम में हमेशा भाग लेना। कोई भी सेशन हो रहा हो आपको उस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेना बहुत ही जरूरी है। साथ ही दोस्तों अपनी टीम में एक दोस्त की तरह शामिल होना, दोस्त की तरह, बॉस की तरह नहीं, मालिक की तरह नहीं, टीम के सभी सदस्यों से दोस्ती का रिश्ता रखें, दोस्ती का, सभी से प्रतिदिन मिलें और टीम भावना के साथ अपने लीडर अपलाइन की गाइडलाइंस में काम करें। ध्यान रखेंगे आपको हमेशा अपलाइन की गाइडलाइंस में रखकर ही काम करना है, वो किसी भी तरीके की कोई दिमाग नहीं लगाना है। साथ ही दोस्तों कंपनी के नियमों निर्देशों का सम्मान करें और पूरी ईमानदारी व लगन के साथ काम करें। 6 नंबर, हमेशा कंपनी के साथ अपने लीडर अपलाइन का सम्मान करें तथा अपनी डाउनलाइन की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। तो दोस्तों ये था 6 मंत्र। इस फॉर्मूले के ऊपर अगर आपने काम कर लिया तो गैल्वे में सफलता आपकी निश्चित है। दोस्तों कंपनी के फाउंडर्स हमारे बीच श्री संजीव छिब्बर सर और साथ के साथ श्री चेतन हांडा सर, एक बार मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो हमारी कंपनी के फाउंडर मेंबर्स के लिए। आज दोस्तों जो कुछ भी मुमकिन है इन्हीं की मार्गदर्शन में आज गैल्वे में जितने भी सारे लोगों ने परचम लहराया है, जो अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, वो हमारे आदरणीय कंपनी के फाउंडर और चेतन सर के मार्गदर्शन में रखे। आज के इस सेशन में, आज के सेशन में मैं आपको सबसे पहले हमारी कंपनी के बारे में बताऊंगा। कंपनी के बारे में जानने के बाद आपको अपने फैसले पे गर्व होगा। 10/10/2003 को हमारे फाउंडर श्री चेतन हांडा और श्री संजीव छिब्बर ने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की नींव रखी जिसका नाम था ग्लोबल कोलैबोरेटर्स। यह एक पार्टनरशिप कंपनी थी।
यह एक प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी थी जो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट सेलिंग प्रणाली द्वारा बेचती है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब अपने प्रोडक्ट को सीधा ग्राहक को बेचना होता है। वहीं दोस्तों मार्च 2004 यह वह शुभ घड़ी थी जब यह कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म में बन गई, एक रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई और कंपनी का नाम हुआ ग्लेश ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और उस समय हमारा लोगो था ग्लोबल कोलैबोरेटर्स। कुछ वर्ष बाद कंपनी ने अपना ब्रांड नेम बदला और हमारा नया ब्रांड बना गैल्वे ब्रांड। गैल्वे ब्रांड जो प्रतीक है क्वालिटी एवं विश्वास का। साल 2024, आज हम साल 2024 में मौजूद हैं और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि इन 21 वर्षों में ग्लेश ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सफलता के कई नए कीर्तिमान स्थापित करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता का झंडा फहरा रही है। दोस्तों इस साल ग्लेज ग्रुप ऑफ कंपनी में 3 मुख्य ब्रांड है जो बनके आई है। दोस्तों सबसे पहला आपके सामने में है लीड विजन, दूसरा है दोस्तों सक्षम आईटी सॉल्यूशन, साथ के साथ अनन्या हर्बल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों 1 मई 2024 आज से जितने भी सारे कार्य अब होने वाले हैं हमारे बीच वो सब के सब लीड विजन के थ्रू होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 मुख्य ब्रांड। दोस्तों ये है हमारा ऑफिसेज दोस्तों जो आपके सामने में है, जो एड्रेस है वहां का। दोस्तों कंपनी की शुरुआत हमारी दिल्ली से हुई। कंपनी मार्च 2004 में कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड हुई। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का पता ऑलरेडी आप लोग अच्छे से जानते हैं, 1/175 मैन नजफगढ़ रोड जनकपुरी नई दिल्ली है। दोस्तों कंपनी का वेबसाइट, कंपनी का ई कॉमर्स वेबसाइट, कंपनी का कस्टमर सपोर्ट ईमेल आईडी और साथ ही साथ कंपनी की सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, आप कंपनी से निम्न तरीके से संपर्क कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर जो आपके सामने में है और साथ साथ कंपनी की ईमेल आईडी cc@glazegalve.com। कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज अगर आप देना चाहते हैं आप तो ईमेल आईडी के जरिए भी आप दे सकते हैं। आप निम्न तरीके से कंपनी की ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन गैल्वे एजुकेशन हब एंड जूम मीटिंग, आज जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये गैल्वे एजुकेशन हब का ही परिणाम है। साथ ही दोस्तों ऑफलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय लीडर्स एट फ्रेंचाइजी और अदर लोकेशन, आप जहां भी हैं जिस भी किसी फ्रेंचाइजी में गैल्वे शॉप पे जहां रहके जिस भी एरिया में आप काम करते हैं वहां पे फ्रेंचाइजी भी अपने लेवल पे ऑफलाइन पे उस लोकेशन पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। मैं चाहूंगा कि आप ऑनलाइन तो ट्रेनिंग आप अटेंड करते ही करते हैं, साथ साथ ऑफलाइन ट्रेनिंग के हिस्से में जरूर आप शामिल बने। ये दोस्तों गैल्वे वेबसाइट है हमारी जो आप देख पा रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक इसे इस्तेमाल नहीं किए हैं अपने मोबाइल फोन में तो एक बार आप क्रोम पे या गूगल पे जाकर के आप जरूर कंपनी की वेबसाइट सर्च करें जहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये हमारा गैल्वे कार्ड क्या है दोस्तों, गैल्वे कार्ड आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल भी कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाकर के, या आप गूगल पे जाकर के भी आप वहां से डायरेक्ट अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आप कोई भी प्रोडक्ट आप अपने घर तक मंगा सकते हैं या आप अपने दूर रिश्तेदारों को भी डायरेक्ट आप उनको ऑर्डर करके आप उनके घर तक पहुंचा भी सकते हैं। दोस्तों ये सुविधा भी गैल्वे आपके लिए प्रोवाइड की है। दोस्तों ये है दोस्तों गैल्वे का फेसबुक पेज, ये इंस्टाग्राम पेज है दोस्तों, ये कंपनी का यूट्यूब पेज है। आगे चलता हूँ, हमारे फाउंडर का जो विजन और मिशन है वो क्या है, मैं सबसे पहले आपके सामने विजन रखना चाहूंगा। गैल्वे को न केवल भारत की बल्कि विश्व की एक ऐसी लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाना जो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड मानकों पर खड़ी हो, अपने ग्राहकों डायरेक्ट सेलर्स को किफायती मूल्य पर उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना, साथ ही दोस्तों डायरेक्ट सेलर्स के लिए डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा बिजनेस प्लान देना जो पारदर्शी हो व उसमें हर वर्ग के समान अवसर हो, एक अस्थायी बिजनेस खड़ा करने की अपार संभावना है। साथ ही दोस्तों गैल्वे के डायरेक्ट सेलर्स के लिए एक ऐसा ट्रेनिंग मॉडल बनाना जो उन्हें बिजनेस ट्रेनिंग के साथ हर क्षेत्र में विकास करे, उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सकारात्मक सोच, मोटिवेशनल जो वो खुद मोटिवेशन ट्रेनर्स बन सके, बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन स्किल, आचरण और नैतिकता, ड्रेसिंग सेंस, सॉफ्ट स्किल, लीडरशिप ट्रेनिंग आदि सभी ट्रेनिंग प्रदान करना या करवाना उनके आत्मविश्वास को नए स्तर पे ले जाए, ये विजन है दोस्तों हमारी कंपनी के फाउंडर्स का। कंपनी में एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां कंपनी का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से पूरी स्वतंत्रता के साथ संवाद स्थापित कर सके, कंपनी को सुझाव और अपनी फीडबैक दे सके, ये था दोस्तों विजन। और अब बात करते हैं दोस्तों मिशन का। मिशन ऐसी जहां बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट का मिशन है, जैसे बेहतरीन रिसर्च द्वारा अपने डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर के लिए वाजिब दामों पर बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स रेंज का निर्माण करना जो उनके लिए उपयोगी हो, उपयुक्त हो, सुरक्षित हो और उनकी जरूरतों को पूरा करता हो।
साथ ही दोस्तों कस्टमर और प्रोडक्ट कस्टमर और डायरेक्ट सेलर्स की जो भागीदारी है अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना, सुझाव और फीडबैक द्वारा अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाना, डायरेक्ट सेलर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है डायरेक्ट सेलर के लिए एक उत्कृष्ट बिजनेस प्लान बनाना, गैल्वे के डायरेक्ट सेलर्स के लिए ऐसा बेहतरीन और विश्व स्तरीय बिजनेस मॉडल बनाना जो विश्व स्तरीय डायरेक्ट सेलिंग मानकों पर खड़ा हो, सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार हो, जो जो भारत सरकार है उनकी जो गाइडलाइंस है उसी के अनुसार हो, समाज के सभी वर्ग जाति धर्म लिंग को एक सफल बिजनेस मैन बनने का समान और आसान अवसर दे, जहां हमारा हर डायरेक्ट सेलर पूरी ईमानदारी सच्चाई लगन और नैतिकता से निरंतर कड़ी मेहनत के साथ प्रोफेशनल तरीके से काम करे। साथ ही दोस्तों लेवरेज इनकम, ऑलरेडी आप सब लोग अच्छे से जानते हैं लेवरेज इनकम के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा मॉडल बिजनेस मॉडल तैयार करना जिससे अस्थायी ग्रोथ और पारदर्शिता हो, वो हमारे डायरेक्ट सेलर एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कर सके जिसे वह अपने बच्चों को देकर जा सके। साथ ही दोस्तों मिशन में गैल्वे डायरेक्ट सेलर्स और कर्मचारियों में मानवीय कौशल का विकास करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें, शब्द बहुत अच्छे हैं दोस्तों, इसलिए जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कंपनी के समग्र ट्रेनिंग कार्यक्रमों द्वारा गैल्वे से जुड़ने वाले सभी व्यक्तियों का या फिर डायरेक्ट सेलर सभी की पर्सनालिटी का विकास करना, गैल्वे द्वारा सभी को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जो गैल्वे प्रोडक्ट्स बिजनेस ट्रेनिंग के अतिरिक्त शारीरिक नैतिक बौद्धिक सांस्कृतिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से विकसित युवाओं को तैयार कर सके। साथ ही दोस्तों मैं कहना चाहूंगा ऐसी ट्रेनिंग जो सही ऊर्जा के साथ उन्हें सही दिशा में भी दे, जिसमें चरित्र का निर्माण हो, देशभक्ति हो, पारस्परिक मानवीय मूल्यों एवं आदर्शों, नैतिकता, चरित्र में ईमानदारी, साथ सच्चाई, निष्काम सहायता और गौरवशाली भारतीय संस्कृति का समावेश करने वाला हो। दोस्तों जो कम्युनिकेशन स्किल होती है जिसमें रिलेशनशिप बनाने की कला, बॉडी लैंग्वेज, पहनावा, बात करने का तरीका, लोग आपको कैसे पसंद करेंगे, आप खुद को एक सशक्त ब्रांड कैसे बनाएंगे, आप एक सशक्त लीडर कैसे बनेंगे, आप एक सशक्त टीम का गठन कैसे करेंगे, एक टीम को लीड कैसे करेंगे, संपूर्ण ट्रेनिंग हो, ये मिशन है दोस्तों। साथ ही ऐसी ट्रेनिंग जो गुरु और शिष्य परंपरा से ओतपोत हो, भरा पूरा हो, गैल्वे से जुड़े सभी के लिए ऐसी ट्रेनिंग के द्वारा एक ईमानदार पर्सनालिटी का निर्माण करना जो हमेशा स्वार्थ के परमार्थ की भावना से भरा हो, वह जिनके लिए देश प्रेम और कंपनी के से प्रेम सबसे ऊपर। दोस्तों ब्रांड क्या होती है, ये तो था विजन और मिशन, आप जानते हैं कि ब्रांड क्या होता है और कैसे बनता है ये ब्रांड, आप सभी लोगों ने ऑलरेडी पहले भी सुना होगा ब्रांड के बारे में, हमारे ब्रांड का नाम है गैल्वे। दोस्तों क्या आपका कोई पसंदीदा ब्रांड है, आप उसे क्यों पसंद करते हैं? जी हाँ जी, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी में कभी कोई फर्क नहीं है और कोई कभी कोई शिकायत नहीं हुई। अगला क्वेश्चन, शहर में क्या कोई आपकी कोई फेवरेट दुकानदार या कोई वह क्यों फेवरेट है, जो आपके जो फेवरेट दुकानदार वो क्यों फेवरेट है? कहीं ना कहीं दोस्तों वहां हमेशा मुझे सही दाम पर सही सामान मिलता है, कभी सामान को लेकर शिकायत नहीं हुई, वह भी ब्रांड है, उसने एक इमेज बनाई है, अपनी खुद की इमेज बनाई है, व्यवहार की इमेज बनाई है, वायदे का पक्का है, कोई गोलीबाजी नहीं, कोई झूठा नहीं बात करता, फिक्स्ड एवं वाजिब दाम पर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी, कस्टमर के हित की बात, क्वालिटी सामान की, पैसा तुरंत वापस की इमेज। तुरंत पैसा वापस से क्या मतलब है, अगर आप लटकाकर पैसा वापस करते हैं तो कस्टमर को लगता है उसने दुकानदार से मुश्किल से पैसा निकाला है, अगर आप तुरंत देते हैं तो वह दुकानदार के गुण गाता है, उसकी बड़ाई करता है। फिक्स्ड प्राइस की जो प्राइस की इमेज है, प्रोडक्ट की इमेज, समझ की इमेज, लोग पीढ़ियों से सामान खरीद रहे हैं। दोस्तों इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि ब्रांड इन्हीं सब चीजों के कारण बनती है। तो दोस्तों ब्रांड बनाने के क्या फायदे हैं, आपको लॉयल कस्टमर मिलता है, वह आपके बिजनेस को अमर बनाता है, सदियों तक चलते रहता है। मालूम है कि आप एक ब्रांड है, क्या आपने विचार किया कि आपके बारे में लोग क्या राय रखते हैं? लोग आपके बारे में जो राय रखते हैं आपका वही ब्रांड है, वही ब्रांड है, या इमेज बनाने में बरसों लग जाते हैं और या इमेज एक गलती से चली भी जाती है, खराब भी हो जाती है। गैल्वे ब्रांड को बनाने में सालों की मेहनत है, इसको एक शानदार प्रतिष्ठित ब्रांड बनाने की हम सबकी जो कलेक्टिव जिम्मेदारी है। हम इस ब्रांड को जितना महान और प्रतिष्ठित बनाएंगे हमारा भविष्य उतना ज्यादा सुरक्षित होगा, इसलिए हमें मिलकर यह ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे गैल्वे के नाम पर दाग लगे।
गैलवे के मैनेजमेंट टीम्स के बारे में आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों गैलवे की मैनेजमेंट टीम्स कौन है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपके सामने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सरबजीत सिंह अरनेजा, एक बार सबके लिए जोरदार ताजा दोस्तों। साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहूंगा सीनियर सीईओ श्री अरोड़ा, सीनियर डायरेक्टर श्री कुश कुमार गुप्ता, डायरेक्टर श्री प्रदीप गुप्ता, डायरेक्टर्स में श्री अभिषेक ज्वेरी, श्री दिव्य दर्शन दिवाकर, श्री संजय चौबे, श्री जनार्दन प्रसाद गुप्ता, श्री राजेश कुमार मोदी और राजेश कुमार पासवान। मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संदीप सिंह अरनेजा के नेतृत्व में सारी मैनेजमेंट टीम फाउंडर मेंबर के विजन एवं मिशन और दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए दिन रात पूरी कर्मठता और प्रतिबद्धता से गैलवे को नंबर वन कंपनी बनाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों कंपनी के सभी मैनेजमेंट टीम के लिए। आगे चलता हूं दोस्तों, यह दोस्तों गैलवे की विभाग, गैलवे की पूरी मैनेजमेंट के अधीन गैलवे के सभी 15 विभागों के 125 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात गैलवे की डायरेक्ट सेलर्स को सर्विस देने और फाउंडर की विजन और मिशन को सफल बनाने के लिए कार्य करते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने में है एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर केयर, क्यू एंड वीपी, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट, फाइनेंस एवं ऑडिट डिपार्टमेंट, सप्लाई चैन, लीगल, कोऑर्डिनेशन ऑपरेशंस, आईटी, पब्लिकेशन, पीआर विभाग। दोस्तों इतने सारे विभाग हैं, एक विभाग नहीं, टोटल के टोटल 15 विभाग है दोस्तों, 15 विभाग कम नहीं होती है। आइए मिलते हैं गैलवे के विभागों से, चलते हैं आगे दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने में है एडमिनिस्ट्रेशन विभाग, जो कि आप देख पा रहे हैं मैं आपके सामने स्क्रीन भी लेकर आया हूं दोस्तों। ऑफिस की विशाल बिल्डिंग की साफ सफाई, कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रबंध करना, आपात स्थिति को मैनेज करना, गेस्ट और कर्मचारियों के लिए चाय या भोजन की व्यवस्था करवाना, लोकल में सामान लाने और ले जाने की व्यवस्था करना, ऑफिस की सभी कारों को रख रखाव, ड्राइवरों की ड्यूटी मैनेजमेंट करना, ऑफिस में आयोजित होने वाले इवेंट को मैनेज करना, ऑफिस के फर्नीचर इलेक्ट्रिक उपकरणों की देखभाल करना, सुरक्षा के सभी स्टैंडर्ड मानकों का ख्याल रखना, ऑफिस के एडमिन संबंधित कार्यों को मैनेज करना। ये है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने अभी आपके सामने रखा है। तो सेकंड में है दोस्तों सेल्स डिपार्टमेंट्स। सेल्स डिपार्टमेंट में क्या है, प्रतिदिन सभी तरह की ऑनलाइन वीडियो माध्यम से ट्रेनिंग करवाना, ये सेल्स डिपार्टमेंट का काम है। अगला है फील्ड के साथ मिलकर ट्रेनर और ट्रेनिंग का रोस्टर तैयार करना, गैलवे एजुकेशन हब व जूम के माध्यम से ट्रेनिंग करवाना, एलसीसी ऑफर, मंथली ऑफर, विनर की शेयरिंग मंगवाना, मंथली ऑफर तैयार करना, सेल्स प्रमोशन, रैंक प्रमोशन ऑफर तैयार करना और साथ के साथ सेल्स से ग्रोथ संबंधित सभी कार्य, ये सारी चीजें दोस्तों सेल्स डिपार्टमेंट का विभाग का काम है। वही दोस्तों जो अगला विभाग है मार्केटिंग का, इसमें प्रोडक्ट के लिए मार्केट से डेटा एकत्रित करना, प्रोडक्ट के फीचर्स की यूएसपी तैयार करना, नए प्रोडक्ट्स की फीडबैक लेना और उनके अनुसार बदलाव करना, ब्रांड प्रमोशंस के लिए एक्टिविटी करवाना, ये मार्केटिंग के पार्ट्स हैं दोस्तों, ये विभाग है हमारे मार्केटिंग के। आगे चलता हूँ अगले विभाग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अगला दोस्तों प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ध्यान देंगे ये सारे डिपार्टमेंट के जो कार्य हैं ये सबके अलग अलग है। वही है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, नए प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट रिसर्च करना एवं मैनेजमेंट के पास प्रस्ताव रखना, बिजनेस और सेल्स के आधार पर नए प्रोडक्ट्स की खोज करना, नए प्रोडक्ट के डिजाइन पब्लिकेशन विभाग से तैयार करवाना, नए प्रोडक्ट्स का सैंपल देकर सभी संबंधित लोगों से फीडबैक लेना, डिजाइन टीम को प्रोडक्ट की जो डिजाइन से संबंधित सामग्री उपलब्ध करवाना, ये हमारे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के विभाग के सारे कार्य है। वही दोस्तों कस्टमर केयर, कस्टमर केयर क्या है उसके बारे में जानते हैं, गैलरी के सभी डायरेक्ट सेलर्स की फोन जो आप कॉल करते हैं, चैट एवं अन्य साधनों से सहायता करना, कॉल उठाना, जवाब देना, चैटिंग में जवाब देना, रीजनल भाषाओं में डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता को निर्धारित समय के अंदर सोल्व करना, इंसेंटिव रैंक, प्रोडक्ट संबंधित सभी तरह के कॉल्स को हैंडल करना, वर्क लॉग को हैंडल करना, डिस्ट्रीब्यूटर की लीगल नोटिस जारी करवाना, अति आधुनिक सॉफ्टवेयर के द्वारा कॉल्स अटेंड करना, सभी ऑफर सचिवर्स की कॉलिंग करने का काम, ये जितने भी सारे काम है दोस्तों ये सारे के सारे जो मैंने बताया आपको कस्टमर केयर का। बहुत सारे लोग जो काम होते हैं प्रोडक्ट्स का वो कस्टमर केयर में कर दिया, तो कभी कहीं कर दिया, तो जो हर चीज का एक डिपार्टमेंट है, जब भी आप कभी किसी को कॉल करें तो कस्टमर केयर से रिलेटेड जितने सारे कार्य है वो कस्टमर केयर रिलेटेड सारे हैं। अगर आप कस्टमर केयर विभाग में फोन करते हैं तो आप उन्हें बताएं कि प्रोडक्ट संबंधित हमें बात करनी है, तो वो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में किसी व्यक्ति से आपका बात कराएगा। तो ये था दोस्तों हमारा कस्टमर केयर विभाग से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। आगे चलता हूँ दोस्तों और मैं आपको बताता हूँ क्यू एंड बीपी से रिलेटेड कंपनी की सभी पॉलिसी, अब बात कर रहा हूँ पॉलिसी का, पॉलिसी और एसओपी को जो डिजाइन करना, कंपनी के सभी आईएसओ आईएसएमएस सर्टिफिकेट को मैनेज करना और उनको रिव्यू करवाना,
ऑडिट करने आई टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, सभी विभागों से मंथली ओआर लेना, मैनेजमेंट के सभी के साथ सभी विभागों का तिमाही स्तर पे ओआर मीटिंग करवाना, कंपनी की गाइडलाइन और पॉलिसी के आधार पर इंटरनल ऑडिट करना, साथ के साथ एक्सटर्नल ऑडिट टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सारे क्यू एंड बीपी विभाग के कार्य है। वही चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के। जो ह्यूमन रिसोर्स में क्या है, नए कर्मचारियों की नियुक्ति करवाना, विभागों की आवश्यकता के आधार पर एजुकेशन एवं एक्सपीरियंस के आधार पर ऐसे योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना जो कंपनी के प्रति लॉयल है। वही सैलरी, अटेंडेंस, लीव, अपेंजल का मैनेजमेंट करना, साथ ही इसके साथ दोस्तों कर्मचारियों के लिए कई ट्रेनिंग प्रोग्राम और फन एक्टिविटी, एम्प्लॉय बर्थडे सेलिब्रेशन, सभी विभागों का मंथली ट्रेनिंग कंडक्ट करना, ये सभी एचआर के काम है दोस्तों। अब है अकाउंट से रिलेटेड। अकाउंट से रिलेटेड क्या है कि सैलरी को सभी कर्मचारियों से, जितने भी सारे कर्मचारी हैं उनका रिलीज करना, ये अकाउंट्स के काम है। कंपनी के जीएसटी को मैनेज करना, ये अकाउंट्स के काम है। सभी खर्चों की जीएसटी क्लेम करना व उनका ऑडिट करवाना, ये भी अकाउंट्स के काम है। कर्मचारियों का इनकम टैक्स मैनेज करना या टैक्स दे रहे कर्मचारियों को फॉर्म सोना देना, ये सबके सब अकाउंट्स विभाग के कार्य है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकाउंट संबंधित, जीएसटी संबंधित, अपना हर महीने आप जीएसटी फाइल करते हैं, इससे संबंधित जितने भी सारे कार्य होते हैं वो हमारे अकाउंट्स विभाग के पास ही आता है। फाइनेंस एवं ऑडिट से संबंधित, सभी अकाउंट्स का कुशल कर्मचारियों द्वारा ऑडिट करना। कभी सर के द्वारा सुना था कि ज्यादा पैसा कमाना तो भी प्रॉब्लम है टैक्स से संबंधित, और कम कमाना तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, तो बड़ा ही कमा करके क्यों ना टेंशन लिया जाए। तो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अकाउंट्स को मैनेज नहीं रखते सही से, फाइनेंस एवं ऑडिट सही से नहीं रखते। तो दोस्तों अगर आपको फाइनेंस या ऑडिट से संबंधित कोई भी चैलेंजेस, अकाउंट से संबंधित कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो आप अकाउंट डिपार्टमेंट्स के लोगों से जरूर संपर्क करें और ये आपको सही सोल्यूशन आपको जरूर बताएं। वही है फाइनेंस एवं ऑडिट से संबंधित, सभी अकाउंट्स का कुशल कर्मचारियों द्वारा ऑडिट करना। गैलवे के सभी डायरेक्ट सेलर्स का समय से इंसेंटिव रिलीज करना, सभी डायरेक्ट सेलर्स को समय पर जीएसटी व रिटर्न भरने के लिए अवेयर करना, कंपनी व खर्चों और आय के आधार पर बजट तैयार करना, एनिवर्सरी इवेंट, ट्रेवल, कार, बाइक के लिए जो फंड होता है जो रिलीज किया जाता है वो इसी डिपार्टमेंट के पास में आता है। जो आप रिक्वेस्ट डालते हैं बाइक के लिए, कार के लिए, वो सब यहीं पहुंचता है। सप्लाई चैन मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विभाग है। गैलवे के 160 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट सेलर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी विभाग के पास में। गैलवे कार्ड फ्रेंचाइजी तथा गैलवे प्रोडक्ट्स पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं विभाग के पास में। पूरे देश में फैले वेयर हाउस को मैनेज करना जहां प्रोडक्ट रखी जाती है इन्हीं विभाग की जिम्मेदारी है। साथ के साथ डायरेक्ट सेलर्स और फ्रेंचाइजी तक समय पर प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है और वेयर हाउस का आधुनिक तंत्र इन्हीं के पास में है, कैसे होगा? देश के सभी वेयर हाउस का ऑडिट करना इनके पास, इन्वेंट्री स्टॉक का प्रशिक्षित द्वारा टीम द्वारा मैनेजमेंट इन्हीं विभाग के पास में दोस्तों। तो ये विभाग अपने आप में एक बहुत पावरफुल है। कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट बारिश की वजह से फंस गया या कहीं जाम लगी तो प्रोडक्ट रास्ते में रह गया, मौसम खराब होने की वजह से, कहीं बाढ़ आ गई प्रोडक्ट रुक गया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेना देना इन्हीं विभाग के हाथों में है। यही आगे इंफॉर्मेशन लेती है और हम तक पहुंचाती है और हम आप तक पहुंचाते हैं। आगे चलता हूँ दोस्तों, अब जानते हैं अगले विभाग के बारे में, लीगल कंप्लायंस। ये लीगल कंप्लायंस क्या है, इन विभाग के बारे में, सभी ट्रेड लाइसेंस जितने भी हमारी फ्रेंचाइजी है या गैलरी शॉप है जो खुलती है या जो कोई बंद करते हैं, वो सारे जो कार्यभार है इन्हीं डिपार्टमेंट के पास में आता है। सभी ट्रेड लाइसेंस, एग्री लाइसेंस, एफएसएसआई लाइसेंस को मैनेज करना, सभी तरह का लीगल नोटिस जारी करने की जिम्मेदारी, जो कंप्लेंस आप लोग करते हैं किसी न किसी का वो इसी विभाग के पास पहुंचता है, यहीं से नोटिस जारी होती है। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट फॉर्म ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए तय किए गए दिशा निर्देश का कंपनी पालन करवाना। जो भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जो गाइडलाइंस लेकर आया, ये विभाग उस गाइडलाइंस पे काम करती है जिसे हम सभी लोग इंप्लीमेंट करते हैं और इस पे काम करते हैं। लीगल गैलरी के लीगल डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना इन्हीं विभाग के पास में, ये सारी जिम्मेदारी है। ये दोस्तों कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन, ये क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। कंपनी के सभी विभागों को के साथ कोऑर्डिनेशन रखना, मैनेजमेंट के सभी निर्देशों को कंपनी के एचओडी तक पहुंचाना, कंपनी के सभी विभागों की ब्रांड सेल की मंथली रिपोर्ट लेना और उनको पढ़कर रिपोर्ट तैयार करना और मैनेजमेंट के पास पहुंचाना, फाउंडर के साथ विभागों की पॉलिसी और डॉक्यूमेंट को अप्रूव करवाना, कर्मचारियों द्वारा मैनेजमेंट के साथ मध्य मीटिंग अरेंज करना, ये सारे काम इस विभाग के पास में जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन। तो हर काम के लिए विभाग बने हुए हैं, बटे हुए हैं, हर व्यक्ति हर काम पे एक रिस्पॉन्सिबल है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है। आईटी इंफ्रा को लेकर के, आईटी इंफ्रा क्या है उसके बारे में जानते हैं।
गैलवे के सभी डायरेक्ट सेलर्स के जो इंसेंटिव का जो मैनेजमेंट है इन्हीं विभाग के पास में, सभी ऑनलाइन टूल्स एवं एप्लीकेशन का मैनेजमेंट इन्हीं विभाग के पास में, गैलवे ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जो गैलवे कार्ड है, गैलवे एजुकेशन हब का जो मैनेजमेंट है, जो आप देख रहे हैं जो जितना खूबसूरत बना हुआ है, जो सर्विसेज आपको मिलती है उस एप्लीकेशन, वो सब के सब ये विभाग काम करता है। डायरेक्ट सेलर्स की डेटा को सिक्योर करने के लिए लेटेस्ट वर्जन का और क्वालिटी वाले सर्वर का मैनेजमेंट इन्हीं विभाग के पास में। गैलवे के सभी सॉफ्टवेयर और मैनेज करने की जिम्मेदारी यही है। ऑफिस के डेस्कटॉप, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, सिक्योरिटी जैसी सर्विस देने की के लिए प्रतिबद्ध यही पे है। समय समय पर सर्वर की सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करना सब यही है। और बताता हूँ आपको एप्लीकेशन विभाग के बारे में। इस विभाग के नाम सुन के आपको पता चल गया होगा कि तिमाही, डिनर मैगजीन एवं मंथली गैलवे न्यूज लेटर का जो प्रकाशन होती है हिंदी और अंग्रेजी में यही विभाग करते हैं। इतने सुंदर सुंदर सब लिखे हुए सब यही से होता है। सभी प्रोडक्ट के रेंज के आधार पर ब्रॉशर, LBL, ई बुकलेट की डिजाइन सब यही होता है। सभी रीजनल इवेंट की जो ब्रांडिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, वो सब यही होता है। गैलवे के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मैनेजमेंट पब्लिकेशन डिपार्टमेंट करती है दोस्तों। कंपनी के वीडियो एवं शॉर्ट वीडियो का कार्य, कंपनी के एनिवर्सरी इवेंट, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए टूर पैकेज, प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट लेवल का जो डिजाइन है उनका मैनेजमेंट, नए प्रोडक्ट का जो मॉकअप डिजाइन होता है, वेबसाइट मैनेजमेंट, सब कुछ जो आप देख रहे हैं सब पब्लिकेशन विभाग के पास में ही होती है दोस्तों। इतना सुंदर ऐसे थोड़ी दिखता है, इस पे विभाग बने हुए हैं, लोग हैं इस पे जो काम करता है दिन और रात लग करके, तभी हम तक वो खूबसूरत चीजें पहुंच पाती है। PR विभाग, PR में क्या है, कंपनी और जो रेपुटेशन और ब्रांड वैल्यू बनाए रखना, ये सबसे पहला। कंपनी के सभी हित धारकों से संबंध बनाए रखना, मीडिया के साथ अच्छे संबंध रखना, मानव सेवा के कार्य जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, वृक्षारोपण जैसी मानव सेवा के लिए प्रोग्राम आयोजित करवाना, किसी क्राइसिस के समय अपने संबंधों को उपयोग करके कंपनी की छवि धूमिल होने से बचाना, ये सारे कार्य PR विभाग के पास में ही है दोस्तों। सिर्फ कंपनी के या 15 विभाग के सभी कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र के अनुभवी और योग्य व्यक्ति है। ऐसे वैसे लोग नहीं है कि कैसे भी विभाग के लेके चलाया, सब पढ़े लिखे और अनुभवी व्यक्ति हैं जिनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है। यह सभी कर्मचारी अपने विभाग मैनेजर जो कि अपने क्षेत्र के दक्ष व अपने फील्ड में लंबा अनुभव रखते हैं, वह भारी भरकम सैलरी पर है, उनकी लीडरशिप में गैलवे की विश्व स्तरीय कंपनी बनने के लिए पूरी दिन रात पूरी कर्मठता से जुड़े रहते हैं, वो गैलवे के डायरेक्ट सेलर्स के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस मैनेजर के ऊपर जनरल मैनेजर, CEO, डायरेक्टर और फाउंडर मौजूद है दोस्तों। तो ये हमारे के टोटल 15 विभाग जिसकी जानकारी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से दिया है। उम्मीद करूंगा इन विभाग के बारे में आपने अच्छे से जाना और समझा है। अब आगे चलता हूं। आगे है दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब एक कंपनी खुलती है तो वह अपने कर्मचारियों और विभागों के साथ खुलती है। जितने इन बरसाती कंपनियों का बजट है जो आपके आस पास रोज सुनते हैं, कंपनी खुल रही है, वो खुला, वो खुला, वो देखो बंद हुआ, वो खुला, मैं कहना चाहूंगा जितने इन बरसाती कंपनियों का बजट है उससे ज्यादा तो गैलवे के कर्मचारियों की सैलरी है। ये छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। हमारे CEO की सैलरी किसी नए बरसाती कंपनी के एक साल के बजट के बराबर है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फैसला आपका है। आप इन अवसरवादी व्यक्तियों के साथ जुड़कर बिन नाभिक, नाभिक जो नाव की बात कर रहे हैं, बिन नाभिक व पतवार के नाव की सवारी करना चाहते हैं या कुशल प्रतिष्ठित हाथों वाले बड़े जहाज की सवारी, आपको खुद से पूछने की जरूरत है। कंपनी की जो उपलब्धि है, 16 राज्यों में कंपनी की अपनी उपस्थिति है दोस्तों। आज के टाइम में 9 ब्रांच, 9 वेयर हाउसेस है, 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी है, 1500 से ज्यादा गैलरी शॉप्स हैं, लाखों की संख्या में डायरेक्ट सेलर है हमारे, 195 से ज्यादा कर्मचारी है, ISO का सर्टिफिकेट है दोस्तों, एक नहीं दो दो है, गैलरी कार्ड कंपनी के पास खुद का है, मोबाइल ऐप, IDSA का रजिस्टर्ड मेंबर, ये सारी उपलब्धियां हैं दोस्तों। ब्रांड जो मैंने अभी बात किया थोड़ी देर पहले, ब्रांड और लोकल कंपनी में क्या अंतर होती है। लोकल, कई बार आपने अपने किसी फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए बोला होगा कि यार आज पनीर की सब्जी ना उतनी अच्छी नहीं बनी जितनी कि मैं हर बार खाता हूँ, या पनीर के अलावा और को भी कोई सब्जी हो सकता है। सवाल है ऐसा क्यों होता है कि हर बार टेस्ट में या फेर बदल होता है, क्यों ऐसा? आपने इसलिए कहा कि उस लोकल रेस्टोरेंट में हर बार मसालों और नया सेब जो बनाया रहा उसको बिना किसी स्टैंडर्ड प्रोसेस के खाना बनता है। यस या नो? अगला इसी में यह है कि अगर आप किसी ब्रांड जैसे कि मैकडोनाल्ड्स का बर्गर खाएं तो आपको हर बार एक जैसा टेस्ट मिलेगा। यह बात बाकी सभी अच्छे ब्रांड के भी लागू होती है। अच्छे ब्रांड का साबुन हो या शैम्पू, आपको हर बार क्वालिटी एक समान मिलेगी। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है?
कारण इसका दोस्तों ऐसा तब होता है जब कोई कंपनी अपने माइग्नाइजेशन में 360 डिग्री स्टैंडर्ड सिस्टम पर काम करती है। मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करती है और विश्व के सबसे प्रतिष्ठित संगठन ISO के मानकों के अनुसार ये काम करती है। मानकों का मतलब होता है दोस्तों स्टैंडर्ड। ISO क्या होता है? ISO दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है जो कि 1941 में गठन हुआ और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा में है। ISO स्टैंडर्ड विश्व स्तरीय का प्रतीक और विश्व के 180 देशों में स्वीकार्य है। ISO अलग अलग क्षेत्र में कई तरह के सर्टिफिकेट देती है। हमारे पास भी दोस्तों ISO 9001 और 256 के सर्टिफिकेट जो कि हमारे पास है, जिनका सिंपल सीधा सा मतलब होता है हमारी कंपनी की मैनेजमेंट, प्रोडक्ट की क्वालिटी एवं आफ्टर सेल सर्विस सब कुछ ISO के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार ही है। कंपनी की प्रोडक्ट्स की रिसर्च एवं उसकी मैन्युफैक्चरिंग आदि सभी पर पूरी जिम्मेदारी के साथ वर्ल्ड क्लाइम स्टैंडर्ड पर काम करते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि गैलवे एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड है। लोकल ब्रांड से इसको कंपेयर मत करें। 20 साल से चलती हुई आ रही कंपनी है, उस ब्रांड पे जाए आप। दोस्तों सर्टिफिकेट के जरिए ISMS की गाइडलाइंस को फॉलो करना, ग्राहकों के संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आपको ISMS की सख्त गाइडेंस में काम करना होता है। दो सर्टिफिकेट ISO का जो मैंने आपको अभी आपके पीछे बताया है, इसमें अपडेशन भी चलते रहते हैं ताकि सिक्योरिटी कोई चेंज ना लग सके, यह एक IT कंपनी के लिए जरूरी होता है। कंपनी अपना डाटा क्लाउड पर रखती है या क्लाइंट के डाटा को भी सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि जो भी डाटा आप लगाते हैं जैसे ज्वाइनिंग के टाइम पे आधार कार्ड वगैरह लगते हैं, सब कुछ इसी सर्टिफिकेट के अंतर्गत आती है दोस्तों, जहां की कंपनी हमेशा आपके हर डाटा को सुरक्षित रखती है। डेटा को इन हाउस रखा गया क्योंकि थर्ड पार्टी पर भरोसा नहीं चल सकता। WFDSA और IDSA का इससे क्या संबंध है? आप लोग गूगल पे भी जाके आप सर्च करके देख सकते हैं। WFDSA यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, एसोसिएशन एक संगठन। यह WFDSA क्या है, इसे पहले हम जान लेते हैं। यह वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करती है। दुनिया में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चलती है वो सबका प्रतिनिधित्व करती है WFDSA। इसकी स्थापना 1978 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में की गई। आज 100 से ज्यादा देशों की DSA की इसकी मेंबर है। इसका मिशन है कि पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग के एथिकल वर्किंग स्टैंडर्ड यानी काम करने के जो आदर्श तरीके को स्थापित करना। सिर्फ वही डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इसकी मेंबर है जो पूरे विश्व में WFDSA द्वारा तय किए गए मानकों पर खरा उतरती है। विश्व की लगभग सभी बड़ी कंपनियों को जो एथिकल तरीके से काम करती है वह इसके मेंबर है WFDSA के। जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं यह वह लिस्ट है उन सभी देशों और उनकी DSA की जहां डायरेक्ट सेलिंग होती है। हमारे प्यारे देश भारत में DSA है, उसका नाम है IDSA, आई मतलब इंडिया, डी फॉर डायरेक्ट, एस फॉर सेलिंग और ए फॉर एसोसिएशन, जो आपके सामने में है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दोस्तों। हमें गर्व है कि हम IDSA का मेंबर। ये आपके सामने IDSA की प्राउड मेंबरशिप है, जो सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं दोस्तों। 1996 में शुरू हुई दिल्ली में इसकी हेड ऑफिस है। लगभग सभी बड़ी कंपनियां IDSA का हिस्सा है। सिर्फ एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मेंबर है इनके, जो इंटरनेशनल स्तर पर डायरेक्ट सेलिंग में स्वीकार्य नियम, आदर्शों और गाइडलाइंस को स्थापित करना होता है। इंडस्ट्री के ऊंचे मूल्यों को भारत में स्थापित करने के लिए अन्य कंपनी के साथ लगातार संवाद करना, भारत में IDSA की डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने वाली 18 कंपनियां मेंबर हैं इनकी, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर काम करती है। इन 18 कंपनियों में ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, मात्र 2 या 3 कंपनियां भारतीय है। मुझे बताते हुए यह गर्व हो रहा है कि गैलवे उनमें से एक है, एक है, एक है। और हम 2013 यानी कि 11 सालों से IDSA के मेंबर हैं दोस्तों। जो आप देख पा रहे हैं IDSA की प्राउड मेंबरशिप, ग्लेश ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं दोस्तों IDSA का, जो हमारी मीटिंग हुई थी मार्च 2023 में। IDSA द्वारा गैलवे की नारी शक्ति को मिला सम्मान। मार्च 2023 में गैलवेंस रंजनी कुमारी को नई दिल्ली सांसद लोकेट चटर्जी द्वारा IDSA अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वही दोस्तों नवंबर 2023 में गैलवेंस सुधा कुमारी को IDSA द्वारा लखनऊ में उत्तर प्रदेश बेस्ट वुमेन्स डायरेक्ट सेलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वही दोस्तों फरवरी 2024 गैलवेंस एस सुनीता को IDSA द्वारा चेन्नई में तमिलनाडु बेस्ट वुमेन डायरेक्ट सेलर से के अवार्ड से सम्मानित किया गया। मार्च 2024 गैलवेंस निर्दया झा को IDSA द्वारा नई दिल्ली
में बेस्ट वुमेन डायरेक्ट सेलर्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एशिया वन पत्रिका ने एक नाम लिया एशिया वन पत्रिका के माध्यम से दो अवार्ड गैलबियस को मिला है। पहला एशियन ग्रेटेस्ट लीडर अवार्ड दिया गया, अवार्ड टू एशियन ग्रेटेस्ट ब्रांड के ऊपर। दोस्तों आपके सामने जो अभी आप देख पा रहे हैं एशियन ग्रेटेस्ट लीडर अवार्ड हमारे कंपनी के वो फाउंडर श्री चेतन सर और श्री संजीव सर को मिला है। दोस्तों वही दोस्तों गैलरे के जो हमारे ग्रेटेस्ट ब्रांड है न्यूट्री फ्लो रेंज को मिला बेस्ट ब्रांड एशियन अवार्ड। एक बार आप जहां भी हैं जोरदार तालियां दोस्तों, ये एक अपने लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड वाली बात है, गर्व वाली बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी कुछ फोटोग्राफ्स आपके सामने हैं एशिया वन पत्रिका के माध्यम से दो अवार्ड जो हमें मिले हैं दोस्तों। ये दोस्तों मैनेजिंग डायरेक्टर सरजीत सिंह को NMA नेटवर्क मार्केटिंग इंटरप्रेनर एफसी लेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहाँ की कुछ अवार्ड कुछ फोटोग्राफ्स आपके सामने में है। उसी NMA इवेंट का गेस्ट ऑन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया अवार्ड है दोस्तों। हम जानते हैं गैलरे के प्रोडक्ट्स को के बारे में दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा गैलरे ब्रांड के अंतर्गत कंपनी के पास आज के अभी के टाइम में 160 से ज्यादा प्रोडक्ट है। इनमें ज्यादातर प्रोडक्ट जो है FMCG प्रोडक्ट है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, इस श्रेणी में अंतर्गत आते हैं, जैसे कि पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ न्यूट्रिशन, किचन रेंज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, डेंटल केयर, आयुर्वेदिक रेंज, हेल्थ एवं न्यूट्रिशन और वेलनेस, एग्रीकल्चर, फैब्रिक इत्यादि, और इसकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है दोस्तों। अलग अलग तरह के कस्टमर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने तीन रेंज में प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। तीन रेंज सुप्रीम रेंज जिसमें प्रीमियम क्वालिटी में हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, वो रिलैक्स रेंज जिसमें हाई क्वालिटी मीडियम मार्जिन प्रोडक्ट्स है, तीसरा है इकोनॉमिक रेंज जहां हाई क्वालिटी और लो मार्जिन प्रोडक्ट है। सुप्रीम रेंज और डिलेक्स रेंज में अच्छे मार्जिन होते हैं और इनमें कंपनी इंसेंटिव भी अच्छा देती है। इकोनॉमी रेंज में वह प्रोडक्ट होते हैं जो बिल्कुल बेसिक जरूरत के प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए इनका प्राइस भी कम है, मार्जिन भी कम है और आवश्यक है कि इंसेंटिव भी कम है। यह हर बिजनेस में चलता है, सभी प्रोडक्ट्स में मार्जिन और डिमांड एक जैसी नहीं होती। दोस्तों हमारे पास जो प्रोडक्ट है AM से लेके PM के वो जो सारे प्रोडक्ट हैं मैं आपको बताना चाहूंगा उसके रेंज में, जैसे होम केयर रेंज हो गया, पर्सनल केयर, स्किन केयर, ब्यूटी केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, मैन केयर, हेल्थ और वेलनेस, आयुर्वेदिक, एग्रीकल्चर, किचन सर्विस और डेंटल केयर। कंपनी के पास के विशाल रेंज मौजूद है जिसमें आपकी रोजमर्रा की आम जरूरत के लगभग सभी चीजें उपलब्ध है। यानी कंपनी के पास सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में उपयोग में आने वाला लगभग हर सामान उपलब्ध है, इसलिए बेफिक्र होकर कीजिए अपनी जरूरत की खरीदारी, क्योंकि आपके पास है गैलरे के जानदार उत्पादकों का शानदार खजाना, 160 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है दोस्तों। ये दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया है कि कंपनी के जो हमारे रेंज है, गैलरे दंतोरम, गैलरे गिरीशोरियम, गैलरे कैल्किन, गैलरे ट्विस्ट, गैलरे न्यूट्रीफ्लो, गैलरे रूपावान, गैलरे श्रीगुणम, गैलरे फॉर मैन, गैलरे क्रीशम, गैलरे किचन शक्ति और गैलवे गैलवेगा, डेंटल केयर, परिवार के सभी सदस्यों के दिनचर्या की शुरुआत होती है। आप लोग ब्रश तो करते होंगे रोज अपने मुंह को, दांतों को, दांतों की सफाई तो करते ही होंगे दोस्तों, कि क्यों नहीं गैलवे के ये जो शानदार प्रोडक्ट है हर्बल पंचतत्व और ग्रीन जेल टूथपेस्ट से करें। उम्मीद करता हूँ आप लोग करते भी होंगे, और अगर आप करते हैं तो आप अपने नियर डियर को भी जरूर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएं। डेंटल केयर के बाद आगे चलते हैं दोस्तों, अगला रेंज है हमारे पास हेयर केयर रेंज। आप नहाते तो होंगे, नहाते होंगे तो आप अपना हेयर तो साफ करते ही होंगे दोस्तों, बॉडी में बॉडी हो गया या हेयर हो गया, तेल तो आप लगाते होंगे। ये सारे वो प्रोडक्ट है जो हेयर केयर से संबंधित, आपके बालों की बेहतरीन देखभाल के लिए हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, कंडीशनर की विशाल रेंज है। हेयर केयर के बाद अगला है बॉडी केयर। आपकी बॉडी केयर से संबंधित हर प्रोडक्ट मौजूद है यहाँ, मसाज ऑयल, बॉडी लोशन, बॉडी क्रीम, हैंड वॉश, बार सॉप, टल्केम आदि की विस्तृत रेंज, और ये जो खूबसूरत सा आप टी शर्ट देख रहे हैं। आगे चलते हैं वह मेंस केयर को लेकर के। मेंस केयर में दोस्तों नहाने से पहले एवं नहाने के बाद पुरुषों की ग्रूमिंग के लिए कई प्रोडक्ट्स मौजूद है, जैसे शेविंग क्रीम, आफ्टर ग्लो क्रीम, फेस वॉश, बियर्ड ऑयल, शैम्पू इत्यादि। ये सारे वो रेंज हैं जो मेंस केयर में होते हैं। फेस केयर, फेस केयर से संबंधित विशाल रेंज है दोस्तों अपने पास में, जहाँ की घर की महिलाओं के लिए दो रेंज कैल्किन एवं रूपावान है। सुबह से लेकर रात तक के फेस केयर से संबंधित सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स मौजूद है, जैसे फेस वॉश, फेस क्रीम, सनस्क्रीन, बीबी क्रीम, नाइट क्रीम, रोज टोनर इत्यादि सारे प्रोडक्ट फेस केयर के रेंज में हमारे पास उपलब्ध है। आयुर्वेदिक का ये कौन सा प्रोडक्ट है दोस्तों, क्या क्या प्रोडक्ट इसमें, आपकी हेल्थ से संबंधित आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स सारे अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे नोनी जूस, कफ एंड गोल्ड, हेपर प्रोडक्ट्स, गुरुची, गिलोय जूस, पेन ऑयल,
तुलसी विमेन फेन क्यू आदि प्रोडक्ट्स, ये वो सारे प्रोडक्ट हैं जो लोगों की जरूरतों की है और सभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट रेंज के बारे में मैं आपको बताता हूँ, वो है होम केयर से संबंधित। कपड़े गंदे होते हैं, उसकी धुलाई भी होती है दोस्तों, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑक्सीडेज माइक्रोबास है दोस्तों। घर की सफाई के लिए भी प्रोडक्ट्स है, बाथरूम सफाई के लिए, किचन के लिए है, पाइन ऑयल है, और घर को खूबसूरत और सुगंधित रखने के लिए उसके भी बहुत शानदार हमारे पास में प्रोडक्ट है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में क्या है, आपके स्वास्थ्य शरीर के लिए न्यूट्रिशन की जबरदस्त रेंज है अपने पास में। सोयाबीन, लीन फिट्स, एलोवेरा जूस, गैल वीटा, डेली बेटर्स, कैल्शियम, स्पिरुलिना जैसी प्रोडक्ट दोस्तों। इस प्रोडक्ट को कब, कैसे, कितना मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, वो तमाम चीजें आपको मिलने वाली है उस ट्रेनिंग में, जिस ट्रेनिंग का नाम है हमारा सो प्रोटीन। आगे चलते हैं दोस्तों, वो रेंज हमारा फूड बेवरेज में। फूड बेवरेज में आपके सामने में जैसे हल्दी, सब्जियां बनाते हैं आप, स्वाभाविक तौर पर हल्दियां डलती है, मिर्च डलती है, धनिया डलती है, गर्म मसाला डलता है, और तेल के लिए हमारे पास में राइस ब्रांड ऑयल, वही है ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, चाय की पत्ती आदि प्रोडक्ट्स की रेंज। ये दोस्तों हमारे किचन के लिए है। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे होंगे। आगे चलते हैं और जानते हैं अगले प्रोडक्ट्स रेंज के बारे में, वो है एग्री केयर, किसान भाइयों की खेती के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रेंज। अगर आपके पास थोड़ा सा भी जमीन है तो गैल्वे के इस बेहतरीन प्रोडक्ट्स को आप अपने खेतों में जरूर डालें। जीसी पावर, जी प्रॉन्ग एडवांस, जी वैम, जी इकोनॉमिक, जी एमिनो आदि प्रोडक्ट्स हमारे बेमिसाल उसके सभी रेंज के प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। आगे चलते हैं और जानते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे। अगर अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है तो आप थोड़ा खड़े भी हो जाएं अपनी जगह पे, थोड़ा पाँव हाथ इधर उधर हिला लें, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्कूल में जाना और बैठ के घंटों सीखना आसान नहीं होता, अब बस आज आप सीख ही रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रही है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन जानना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ये है हमारे बीच में अनन्या हर्बल प्राइवेट लिमिटेड, जो मैंने अभी आपको बताया, गैलवे ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर जो आती है हमारा अनन्या हर्बल प्राइवेट लिमिटेड। गैलवे के जिन वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स को आप रोज इंजॉय करते हैं, उनके पीछे जो कंपनी मौजूद है उनका नाम है अनन्या हर्बल प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों। 2017 में इस कंपनी की स्थापना की गई। इनका प्लांट हरियाणा के साफियाबाद सोनीपत में मौजूद है। कुल प्लांट एरिया जो इसका है 1.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। कवर्ड एरिया 70,000 स्क्वायर फीट है दोस्तों इसका, बहुत बड़ा। मैं खुद यहाँ पे गया हूँ दोस्तों, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मैं बहुत ज्यादा खुश और मोटिवेट हुआ था। मैंने वहाँ पे फोटो लिया था, वीडियो बनाया था मैंने, कैसे काम होता हर चीज मैंने अपने मोबाइल में कैद करके लिखाया था। वहां से वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एवं टॉप ब्रांड के स्टैंडर्ड पर मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ टॉप प्रोफेशनल अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संचालन की जाती है। आगे चलता हूँ दोस्तों, ये दोस्तों वहीं का है अनन्या हर्बल्स का, जो जो आप देख पा रहे हैं, जहाँ की इतना शानदार प्रोडक्ट्स हम पर पहुंच तैयार होता है। ये है दोस्तों अनन्या हर्बल्स के साथ में, ये वहाँ के रिसेप्शन है जो आप देख पा रहे हैं, इतना खूबसूरत सा इमेज। जो आप देख रहे हैं ओवरऑल फैक्ट्री व्यू है, ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं, ये सारे वहीं के हैं। अनन्या हर्बल प्राइवेट लिमिटेड वहीं का है, कहाँ ये जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्ट की जाती है दोस्तों, जहाँ सैंपल्स रखे जाते हैं, ये वो सारी जगह है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट की क्वालिटी को निखारने और उसे बेहतरीन बनाने पर कार्य करना। इंडिया मीटिंग्स ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक पर्सनल केयर कॉस्मेटिक्स और वैदिक मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बेहतरीन प्लांट आधुनिक FMI कंट्रोल के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग SCADA एनेबल मैन्युफैक्चरिंग वेसिल्स, क्लीन रूम विथ एयर लूप सिस्टम्स, हीपा फिल्टर के द्वारा रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, QMS, सभी प्रोडक्ट्स पर्यावरण के लिहाज से सुरक्षित है। ये जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचती है, आप तक पहुंचती है, बहुत अच्छे तरीके से इसका ध्यान रखा जाता है दोस्तों। चाहे उसका जो भी काम होती है प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे उसकी क्वालिटी को लेकर हो, चाहे पैकेजिंग को लेकर के हो, तो उसका जो ख्याल है ना, बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है। ये अनन्या हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड की सर्टिफिकेट है जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, ये हमारी प्रोडक्शन यूनिट का है दोस्तों, फोटोग्राफ्स जो आप देख पा रहे हैं इस समय में स्क्रीन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों, सभी प्रोडक्ट्स, ब्रॉशर, ऑल प्रोडक्ट्स, बुकलेट,
न्यूज लेटर, विनर मैगजीन, प्रोडक्ट की जानकारी, मैनेजमेंट की जानकारी है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हाँ, जब हम अपनी सभी गोपनीय जानकारी हम वेबसाइट पर डालते हैं तो क्या वह चोरी नहीं हो सकता? आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो आदि जैसे संवेदनशील डेटा कितना सुरक्षित है? यहाँ पर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपके डेटा की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही सख्त एवं प्रोफेशनल कदम उठाए गए हैं। हमारे पास अपना इन हाउस सर्वर है, क्योंकि हम अपने गैल्वियंस के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी थर्ड पार्टी सर्वर प्रोवाइडर पर भरोसा नहीं कर सकते। ये सर्वर है हमारा दोस्तों, जहाँ रखी गई है। आगे चलता हूँ दोस्तों। इस सर्टिफिकेट के जरिए IFMS की गाइडलाइंस को फॉलो करना, जो सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूं उस समय में, सभी ग्राहकों के संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आपको IFMS की सख्त गाइडलाइंस में काम करना होता है। ऑर्गेनाइजेशंस को इन गाइडलाइंस को सख्ती के साथ लागू करना होता है। गाइडलाइन के अनुसार डेटा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। इस पर लगातार सुधार भी चलता रहता है, ताकि ग्राहकों की जानकारी गोपनीय रह सके और कोई उसका फायदा ना उठा सके। यह एक IT कंपनी के लिए जरूरी होता है। कंपनी अपना डाटा क्लाउड पर रखती है, या क्लाउड की डाटा सिक्योरिटी के लिए है। डेटा को इन हाउस रखा गया, क्योंकि थर्ड पार्टी पर भरोसा नहीं किया सकता। आगे चलते हैं दोस्तों। और ये तो फैक्ट है कि जितना सुरक्षित तरीके से रखी गई है हर डाटा को, अपने आप में एक प्राउड वाली बातें हैं दोस्तों। सेवाएं ऐसी जो आपको गैल्वेंस होने पर गर्व का एहसास कराए। हमारी प्रतिष्ठित टीम लगातार आपकी डेटा को सुरक्षित रखने की दिशा में प्रयास करती रहती है। आपको जानकर यह गर्व होगा कि मार्केट में इतने ज्यादा साइबर अटैक होते हैं, पर गैलरी के सभी सर्वर उनसे पूर्णतः सुरक्षित हैं। कंपनी ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन हाउस सर्वर लगाया हुआ है। इन सर्विस एवं मैनेजमेंट को सालाना खर्च लगभग 50 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। सर्वर के लिए हमने एक ऐसा कमरा बनाया है जिसमें 24 आवर्स, 24 घंटे AC चलते रहते हैं। इस कमरे की सिक्योरिटी काफी सख्त है, एवं कई लेयर इसकी सिक्योरिटी होती है। हम लगातार इसकी सिक्योरिटी को बदलते रहते हैं, ताकि इनका आपका डाटा सुरक्षित रहे। आपको गर्व होना चाहिए कि आप ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं जो आपके डेटा के लिए इतना खर्च एवं इतनी ज्यादा चिंता रखती है। गैलवे हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए हाई स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मेंटेन करके खड़ी है। इतनी सख्त एवं सुरक्षित डेटा के तकनीकी की उम्मीद क्या आप किसी लोकल कंपनी से कर सकते हैं, जो रोज खुलती है, रोज बंद होती है? ये दोस्तों हमारा सक्षम IT सॉल्यूशंस की ऑफिस है, जो मैंने पहले बताया था, गिलेज ग्रुप ऑफ कंपनी में, जिसमें लीड डिवीजन, उसके बाद अनन्या, उसके बाद सक्षम। ये हमारे सक्षम IT सॉल्यूशंस के ऑफिस है, वहाँ का ये रजिस्टर्ड ऑफिस डिटेल है दोस्तों। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी एक अपने आप में प्राउड वाली बात है। सक्षम IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की जो उपलब्धियां हैं, या सक्षम थी आपको बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए, और इसलिए हमने इनका नाम भी सक्षम IT सॉल्यूशन रख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सक्षम IT की उपलब्धि क्या है। सक्षम IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 2018 में की गई थी। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में स्थित है। इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों को बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करवाना है। इस कंपनी में 8-20 से ज्यादा कुशल कर्मचारी काम करते हैं। इस कंपनी का मैनेज करने वार्षिक लागत करोड़ों रुपयों में है। ये कंपनी सीट फिट मेथोलॉजी पर काम करती है। इसका मतलब सक्षम IT फिलिंग्स इन IT है। कंपनी ने अपने खुद के काफी सारे सॉफ्टवेयर विकसित किए हुए हैं, जैसे वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम्स, डोनेशंस मैनेजमेंट सिस्टम्स, EIP, इसके अलावा HRMS, ई कॉमर्स परचेज मैनेजमेंट सिस्टम इत्यादि। ये कंपनी आधुनिक तकनीकों को उपयोग करके सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट नेट, माइक्रोसॉफ्ट SQP सर्वर, एंगुलर नोड JS सर्वर, ESP, जावा इत्यादि। तो ये सारी दोस्तों इसकी उपलब्धियां हैं। आगे चलता हूँ दोस्तों, और कुछ ही स्लाइड बचा हुआ है, जिसे आपके लिए बहुत जानना बहुत ही जरूरी है। आज कई कंपनियां सक्षम IT के रेगुलर क्लाइंट है, जिनमें सक्षम IT का सर्विस प्रदान करती है। 10 से ज्यादा गौशालाओं को डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करना, बहुत सी कंपनियां ई कॉमर्स सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कई कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर काम चल रहा है। जल्दी जल्दी ये कंपनी हमारे रेगुलर कस्टमर्स के रूप में इस सूची में भी हिस्सा बनेंगे। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि भारत से बाहर दुबई, कनाडा, अमेरिका की कंपनियों को भी हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये था दोस्तों IT सोल्यूशंस की उपलब्धियां, जो मैंने अभी आपको बताया है। आगे चलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस प्लान के लॉजिक लिखे जाते हैं, और उसके अनुसार वो एप्लीकेशन काम भी करता है। आपकी सुविधा के लिए IR गेटवे बनाया गया है, जहां पर आप अपना इंसेंटिव, सेल्स रिपोर्ट्स, अपनी टीम आदि चीजों को देख एवं अपलोड कर सकते हैं। आपकी सहायता के निस्तारण के लिए कंप्लेन रेडिशनल सिस्टम भी बनाया हुआ है, जहां पर आप गैलरी को प्राप्त
आपकी शिकायतों को हल किया जाता है, जिसकी ट्रैकिंग्स आप ऑनलाइन देख सकते हैं। सेल्स सॉफ्टवेयर के द्वारा फ्रेंचाइजी अपनी बिलिंग कर सकती है, पीओ जनरेट कर सकती है, अपनी सभी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। गैलवे की ई कॉमर्स वेबसाइट गैलवे कार्ड का निर्माण किया गया, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन भुगतान करके अपने प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। गैलवे के वेयर हाउस को दिल्ली हेड ऑफिस से जोड़ने के लिए वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। इसमें प्रोडक्ट्स का रख रखाव, मैपिंग, ट्रांसपोर्ट आदि किया गया है। इन सभी सॉफ्टवेयर में आपकी डेटा को रखने के लिए गैलवे में 6 से 7 सर्वर लगाए गए हैं। ये अपने आप में एक प्राउड की बात है दोस्तों। आपको उज्जवल भविष्य की अपार शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।